हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहिल सिंह। वेलकम बैक टू राहिल सिंह फिटनेस। तो आज मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसी एक्सरसाइजेज जो हम करेंगे, 2 to 3 एक्सरसाइजेज वार्म अप की। तो हमें रिस्ट का मूवमेंट करना है, तो रिस्ट का मूवमेंट हमें क्लॉकवाइज 20 रेप्स करने हैं और एंटी क्लॉकवाइज 20 रेप्स करने हैं, ठीक है। तो आपने पहले अपना एक 20 रेप्स का जो सेट है वो कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 20 रेप्स का जो सेट है वो कंप्लीट कर लेना है। जब आप ये कर लेंगे तो ऐसे ही आपको 3 सेट्स लगाने हैं, 3 सेट्स क्लॉकवाइज के और 3 सेट एंटी क्लॉकवाइज के। फिर हमने 2 सेट्स लगाने हैं, 10 रेप्स फॉरवर्ड शोल्डर क्लॉकवाइज शोल्डर मूवमेंट शोल्डर रोटेशन के 3 एक्सरसाइज करनी है, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज बैकवर्ड। तो फिर हमने करना है बैकवर्ड शोल्डर रोटेशन। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हमने एंकल रोटेशन करना है क्लॉकवाइज 10 रेप्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 रेप्स। ये भी हमें दो दो सेट करने हैं ईच लेग। तो और थोड़ा सा बैक का मूवमेंट करेंगे। तो हमारा जब ये दो दो सेट करके ईच सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे वार्म अप के, तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज वो शुरू होगी वो है स्क्वाट से। स्क्वाट फ्री वेट स्क्वाट्स मारने हमने। जो ये स्क्वाट्स रहेंगे ये ऐसे नहीं है कि आपने वाइड कर लिए या आपने क्लोज कर लिए, ये जो नॉर्मल स्क्वाट्स होते हैं फ्री स्क्वाट्स आपने वो लगाने हैं। तो हमने ये स्क्वाट्स कितने लगाने हैं, बिगिनर है वो 20 रेप्स 3 सेट लगाएंगे, और जो इंटरमीडिएट है वो 50-50 के 2-3 सेट लगाएंगे, और जो एडवांस हैं वो 50-50 के 5 सेट लगाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे पुशअप्स। पुशअप हमने कितने लगाने हैं, जो बिगनर हैं वो ट्राई करिए कि अगर वेट पुशअप आ जाते हैं तो आपने वो लगाने हैं 20-20 के 3 सेट लगाने हैं एडवांस, और प्रो लेवल में आपने 30-30 के 4 सेट लगाने हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको फ्लैट वाले पुशअप नहीं आते तो मैं आपको थोड़े से ईजी वाले पुशअप सिखा देता हूँ। तो ये थोड़े से ईजी पुशअप हैं, तो आप किसी भी इंक्लाइन कंडीशन में या किसी भी इंक्लाइन जगह पे अपने हाथ लगा के वहाँ पे पुशअप कर सकते हैं। तो ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पे ये वाले पुशअप भी नहीं होते तो आपने नी पुशअप लगाने हैं। मैं आपको नी पुशअप बता देता हूँ कि नी पुशअप कैसे लगाते हैं। आप मैं कोई भी मैट यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अभी मैट अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसे ही करूँगा। अगर आप ये वाले पुशअप लगा रहे हैं तो सिर्फ आपने 10-10 के 2 ही सेट लगाने हैं। तो ये हमारी हो गई दूसरी एक्सरसाइज। तो हम आप थर्ड एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, वो है जंपिंग जैक्स। सभी ने ये 50-50 के 3 सेट कर रहे हैं, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, या वो फिर बिगनर हो। तो जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने कभी पहले एक्सरसाइज नहीं करी तो वो 50 ना लगाएं, वो 30-30 के 3 से स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके वो 50 के 3 कर सकते हैं। और जो जिनको 50 के 3 कर दिए जब आपने, तो ये कंप्लीट करने के बाद आपने रेस्ट लेना है 1 से 2 मिनट का। हर एक्सरसाइज के बीच में आपको 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है। अगर आपको ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए अपने वर्कआउट में, अगर आप ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर मेरी एक्सरसाइज प्लान में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 20 to 30 सेकेंड का रेस्ट लीजिए, उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना। और अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने 1 to 2 मिनट्स का रेस्ट लेना है। तो जो फोर्थ एक्सरसाइज आपने करनी है हाई नीज। हाई नीज करेंगे वो हमें 50-50 के 3 सेट लगाने हैं। लोगों को हाई नीज ढंग से करना नहीं आता, वो पहले 20 to 30 रेप्स लगा सकते हैं 3 सेट के। तो अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज पे। हमको हमारे जो लेग हैं वो पीछे को थ्रो करने हैं। तो जो ये एक्सरसाइज है
ये आपने 50 रेप्स लगाने हैं, 50 रेप्स के 3 सेट। जब आप ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लेंगे तो आपने रेस्ट लेना है। बढ़ते हैं सिक्स एक्सरसाइज की तरफ। तो जो सिक्स एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी साइड टच, ऐसे हमने 4 सेट्स लगाने हैं। तो ये सभी के लिए 4 सेट्स है क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। तो इजी आपने 25-25 ईच साइड करनी है। उसके बाद आपने फ्री वेट डेडलिफ्ट करनी है, मतलब डेडलिफ्ट में इसमें आपके पास कोई वेट नहीं होगा, इसमें कोई वेट नहीं यूज़ करना आपने। जस्ट अपने स्क्वाट जो हमारा डेडलिफ्ट की पोजीशन होती है, डेडलिफ्ट परफॉर्म करनी है। तो जब आप ये परफॉर्म करेंगे तो आपका बैक पूरा एंगेज होगा, इसमें आपके हैमस्ट्रिंग एंगेज होंगे, तो उसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा। आपको बैक में बिना वेट के भी फील होगा कि आपकी बैक एंगेज हो रही है। तो जो लोग डेडलिफ्ट नहीं करते वो फ्री वेट में डेडलिफ्ट करना सीख सकते हैं। वो डेडलिफ्ट करना नहीं आता वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं स्पेशली डेडलिफ्ट की कितने टाइप की डेडलिफ्ट होती हैं और वो उनको कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो मैं आपको वो करना दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उन्हें क्या क्या उन्हें कितने टाइप की डेडलिफ्ट हैं और क्या उन डेडलिफ्ट की फॉर्म्स हैं और वो कैसे परफॉर्म की जाती हैं। तो मैं उसमें एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जो हमारी लास्ट और 8th एक्सरसाइज होगी वो होगी सूमो स्क्वाट्स। तो सूमो स्क्वाट्स हमें जो भी परफॉर्म करते हैं, फ्री वेट सूमो स्क्वाट परफॉर्म करने हैं, फ्री वेट काफ रेजेस, हमने 30-30 के 4 सेट्स जो कि काफ, अगर आपको लगता है कि काफ में ज़्यादा पेन हो रहा है आपके तो आप 20 के 3 सेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए जो वीडियो थी ये थी आपकी 8 एक्सरसाइजेज जो आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी में ज़्यादा एडवांस एक्सरसाइजेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसमें थोड़ा और एडवांस एक्सरसाइज बताऊंगा। और जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है मैं उसमें बताऊंगा कि आप घर पर रह के क्या डाइट ले सकते हैं और डिफरेंट आपके गोल के हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना ही था। स्टे हेल्दी स्टे फिट ओवर एंड आउट।